यूपी का चुनाव मतलब एबीपी गंगा और खतौली में है उपचुनाव। लगातार खतौली की जनता का मिजाज हम आपको बता रहे हैं, लेकिन हर इलाके की अपनी समस्याएं होती हैं और मैं इस वक्त होली चौक पर मौजूद हूं। यहां के बाजार के दुकानदारों की और व्यापारियों की क्या है समस्याएं, चलिए जानते हैं यहाँ की जनता का मूड, बताते हैं आपको, चलिए मेरे साथ। तो देखिए यहाँ दुकान पर हम पहुंचे हैं, जानते हैं दुकानदारों से कि उनकी समस्याएं क्या हैं, क्या है उनका मूड, बात करेंगे। भैया क्या लग रहा है इस बार उपचुनाव है आपके यहाँ? जी बिल्कुल। कौन जीतेगा? बीजेपी। बीजेपी जीतेगी? अच्छा काम किया है बीजेपी? बिल्कुल किया है। भारतीय जनता पार्टी। क्या काम हुआ है पिछले कुछ समय? गुंडागर्दी खत्म हुई है, शासन व्यवस्था प्रशासन बहुत सुंदर है, कोई किसी को किसी तरह की परेशानी नहीं है, राशन मिल रहा है गरीब को, हाँ हर तरह से कोई भी समस्या नहीं है किसी तरह की। एक चीज़ जो अभी हमारे क्षेत्र में चल रही है कि भारी है भारी है, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या मोदी जी वाराणसी से थे या हेमा मालिनी मथुरा से थी? भारी का कुछ नहीं है, बराबर वाली में ही मंडल लगता है, मेरठ वहाँ से है। घूम रहे हैं यहाँ पे रोज, शांत घूम रहे हैं यहाँ पे, खड्डा मुक्त यहाँ पे नहीं है। अभी कहते हैं भारी प्रत्याशी है, विक्रम से 7 साल हुए, बताओ क्या करा 7 साल के अंदर यहाँ पे? वोट जो अच्छा काम करे उसी को देंगे वोट। कौन कर रहा है अच्छा काम यहाँ? और फिलहाल तो यही चल रहे हैं तुम्हारे बीजेपी वाले। बीजेपी जीतते ही कुछ समस्याओं का निपटारा हुआ इतने समय में? हाँ जी बढ़िया चल रहा है सब। क्या दिक्कतें थी आपकी? दिक्कत कुछ भी नहीं है, वो तो पहले मतलब जो बदमाशी वगैरह थी सब खत्म होगी। भाजपा जीतेगी और है कौन? क्या नहीं, मदन भैया भी इस बार मैदान में है ना गठबंधन? ये तो नहीं हम कहते हैं, लेकिन जो रुझान है यहाँ पे भाजपा का कोई पार्टी है ही नहीं, और भाजपा जीत आ रही, भाजपा जीतेगी। मदन भैया मैदान में उतारे इस बार, लग रहा है उनके कुछ चांस? बाहर वाले सब ने ठुरा दिया, बाहर वाले नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे। व्यवस्था बहुत बढ़िया है, रात को पुलिस वाले भी मिलते हैं हमें यहाँ पे, चक्रदंड मतलब आते जाते रहते हैं, हमें पूछते हैं हमें क्या हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं। तो भाजपा में हमें बहुत कुछ सही मिला। जीतेगा बीजेपी। क्या काम हुआ है? बहुत काम हुआ है। कोई समस्या है आपकी? कोई समस्या नहीं है, पूरी तरह संतुष्ट है? पूरी तरह संतुष्ट है। तो बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं हमेशा बीजेपी। कोई समस्या है यहाँ की जिन पर काम हुआ है, जिसको लेकर आपने मन बना लिया बीजेपी को वोट देंगे? नहीं समस्या तो कोई नहीं है, हम पहले से बीजेपी की सपोर्ट कर रहे हैं। मदन भैया जीतेंगे, राजकुमारी सैनी जीतेंगे, उपचुनाव है ना आपके यहाँ पर? मदन भाई जीतेंगे। मदन भैया जीतेंगे? हमारे यहाँ भाजपा जीतेगी। काम हुआ है भाजपा के कार्यकाल? हाँ काम हुआ है। मदन भैया जीतेगा। कैसे लगता है, क्या आपकी समस्या है? हमें लगता है सारा गुजर सारा जाट सारा मुसलमान 1 लाख वोट हमारी है, तब हम लड़के को देंगे बच्चा। मदन भैया जीतेगा यहाँ से, पब्लिक का रुझान ये कह रहा। बीजेपी से संतुष्ट नहीं है? तो देखिए यहाँ बाजार में हम लोगों से बात कर रहे हैं, दुकानदारों और व्यापारियों के लिए एक सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो था लॉ एंड ऑर्डर का, कानून व्यवस्था का, जिसको लेकर अब यहाँ के दुकानदार काफी हद तक संतुष्ट नजर आ रहे हैं। पहले से जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर काफी बेहतर हुई हैं, ऐसा कहना है उनका। लेकिन कुछ और समस्याएं हैं, जैसे आवारा पशुओं की समस्या, ये एक मुख्य मुद्दा है बाजार का। तो चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, उनके मन को टटोलने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कुछ और लोगों से कि क्या है उनका मूड, क्या है उनकी समस्या। बताइए कि यहाँ से कौन जीतेगा, मदन भैया या राजकुमारी सैनी? मैडम दोनों में बराबर टक्कर है, 50-50 है टक्कर जो है। तो गुजर प्लस मुसलमान जीत जाएगा। मदन भैया जीतेंगे आपको? मेरे हिसाब से मदन भैया। हमें तो अपनी पार्टी लगेगी बीजेपी। काम हुआ है यहाँ पर? काम सब हो रहे हैं, पूरा विकास हो रहा है, क्या काम नहीं हुआ? नहर पे इतनी गंदगी थी, घाट पर बहुत ज्यादा गंदा था, अब सब कुछ वहाँ अच्छा हो रहा है। जनता तो भारतीय जनता पार्टी के साथ, पहले भी नहीं चुना था, अभी नहीं चुनेंगे। वजह क्या लगती है इसकी? सही है, यहाँ पे जो है बिल्कुल भी अब गुंडागर्दी समाप्त हो चुकी है प्रदेश के अंदर, और वैसे भी कानून व्यवस्था अच्छी है, तो सबको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को ही चुनेंगे। सभी काम अच्छे हो रहे हैं यार, सारे रास्ते अच्छे बन गए, और गुंडागर्दी मेन चीज है गुंडागर्दी, जड़ियों साथ छेड़छाड़ सब बंद हो चुकी है इस टाइम, इससे बड़े कुछ नहीं हो सकता, तो बेस्ट है बीजेपी ही जीतेगी। तो मोदी जीतेगा ही हुई, विजय विक्रम सैनी घरवाली मिसेज राजकुमार सैनी जीतेगी। काम हुआ है यहाँ पर बहुत? क्या काम हुआ है? सारे काम हुए, सारे सड़कें बन गए, सब कुछ हो गया, और क्या है, तरक्की हो रही। तो भाजपा को मांग के चल रहे हैं। काम हुआ इतने समय में? बहुत कुछ हुआ है। क्या काम?
काम हुआ? क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? सबसे बड़ी गुंडागर्दी खत्म हुई है। रात को कहीं भी चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जनता के दिल में क्या है ये लगातार एबीपी गंगा आपको बताता है। लोगों के मुद्दे क्या हैं ये लगातार हम आपको बताते हैं। खतौली में भी उपचुनाव है और खतौली की जनता का मूड क्या है, लोगों के दिल में क्या है, ये एबीपी गंगा की टीम ने आपको बताया। और अब आपको लिए चलते हैं रामपुर सदन में, जहां पर मेरी सहयोगी मौजूद है, वो आपको बताएंगी रामपुर के लोगों के दिल की बात। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।